नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। आप सभी को पहले से पता है कि मैं अब प्रत्येक दिन इकाई के अंत में जो प्रश्न दिए हुए रहते हैं, इकाई अभ्यास, उसको मैं लेकर के कर रहा हूँ। वो सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूँ। आज मैं पेज नंबर 19 में जो ब्लॉक 3 का है, 504 के ब्लॉक 3 का ये प्रश्न है, मैं उसका लेकर के चला हूँ। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो, आपको 1% भी इससे मदद मिलता हो, तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, अपने जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं उन स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के वीडियो पर हम लोग देखते हैं क्या है। प्रश्न है, दत्त कार्य के द्वारा गणित में आकलन के 5 लाभ लिखिए। दोस्तों, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर दत्त कार्य के द्वारा गणित अधिगम में आकलन के 5 लाभ। जब हम दत्त कार्य से आकलन करेंगे, आकलन करने के बहुत सारी प्रविधियां हैं, बहुत सारे विधियां हैं, इन सब तरीकों से आकलन करते हैं, उनमें से एक तरीका है दत्त कार्य। तो दत्त कार्य से यदि हम बच्चों का आकलन करेंगे तो क्या क्या लाभ होगा, इसके बारे में यहाँ पर हमको लिखना है। तो कक्षा कक्ष तकनीकों के अतिरिक्त दत्त कार्य के द्वारा भी गणित अधिगम का आकलन किया जाता है। मैंने यहाँ क्या लिखा है कि कक्षा कक्ष तकनीकों, बहुत सारा तकनीक है जिससे हम लोग आकलन करते हैं, इसमें से एक तरीका दत्त कार्य है, इसे भी आकलन किया जा सकता है। दत्त कार्य के द्वारा गणित अधिगम का आकलन करना एक अच्छी प्रक्रिया है। दत्त कार्य पूरा भी विवरण हम लोग नीचे देखेंगे, लेकिन दत्त कार्य के द्वारा यदि हम आकलन करते हैं तो वह एक पूर्ण आकलन होता है, और यह इसलिए यह एक अच्छी प्रक्रिया है। इसमें निम्नलिखित लाभ है, क्या क्या लाभ है इसके बारे में मैंने लिखा है। पहला लाभ है, दत्त कार्य में उस दिन पढ़ाए गए पाठ के साथ साथ पूर्व में पढ़ाए गए पाठ को भी देते हैं, जिससे पूर्व के पाठ का पुनरावृत्ति होती है। दोस्तों, हम लोग दत्त कार्य जब बच्चों को देते हैं तो उसमें जो अभी पढ़ाए उसका, उसके पहले जो हम लोग पढ़ाए हैं उसका, दोनों मिलाकर दत्त कार्य देते हैं। अभी जो पढ़ाए इसका तो आकलन हो गया, साथ साथ में जो हम लोग पहले पढ़ा चुके हैं उसका अधिगम स्तर क्या है, कितना सीखा नहीं सीखा, इसके बारे में भी हो जाता है पता। साथ ही जब हम लोग पहले पूर्व में जो पढ़ाए हैं बार बार दत्त कार्य में देते हैं, तो बच्चे पहले के चैप्टर को पुनरावृत्ति करते रहता है, उसको जब भी समय मिलता है या जब उसका पढ़ने का समय होता है तो पूर्व के पाठ को भी पढ़ता है। तो ये लाभ हुआ ना कि बच्चे अभी जो पढ़ रहा है वो तो ठीक ही है, लेकिन जो पहले पढ़ लिया है उसका फिर से पुनरावृत्ति करता है, और पुनरावृत्ति का कारण दत्त कार्य। दूसरा लाभ है, दत्त कार्य से बच्चों में उत्साह बढ़ता है, गणित के प्रति रुचि बढ़ती है, जिससे अधिगम उपलब्धि के स्तर में सुधार होता है। जब बच्चों को दत्त कार्य देते हैं, बच्चों को आप एक देखिएगा, क्लास में कोई अवधारणा से संबंधित प्रश्न आप बच्चों को सिखा रहे हैं, यदि वो सीख गया, उस अवधारणा को सीख गया, तो बच्चों के मन में लगता है कि हम तो इसको सीख गए, इसको बना करके सर को दिखाएंगे तो हमको शाबाशी मिलेगा, सभी बच्चों से अच्छा
हमको समझेंगे, अपने को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। इसके लिए वह दत्त कार्य करता है और दत्त कार्य करने से रुचि बढ़ती है। और जब रुचि बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से अधिगम स्तर में सुधार होगा। तो क्या होता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, दत्त कार्य से बच्चों का उत्साह बढ़ा, बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ी। अब ये दोनों के कारण बच्चा पढ़ने में तेज हो जाएगा, यानी उसका अधिगम स्तर अधिक हो जाएगा, सुधर जाएगा। तीसरा लाभ है, दत्त कार्य करने वाले बच्चे आसानी से किसी भी अवधारणा को समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ ये लॉजिक, इसके पीछे एक ट्रिक छिपा हुआ है। जो बच्चे दत्त कार्य सही से करते हैं, वो बहुत ही मनोयोग से एकदम ध्यानपूर्वक आप जो अवधारणा को बता रहे हैं, या वह खुद उस अवधारणा को समझने के लिए कोई क्रियाकलाप कर रहा है, तो पूरे मन से करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इससे संबंधित हमको कुछ न कुछ दत्त कार्य मिलेगा, और जब दत्त कार्य मिलेगा तो क्यों न हम अभी समझ लें। तो जो बच्चा आसान दत्त कार्य करता है, वह अवधारणा को आसानी से समझ लेता है, क्योंकि उसका एक ही उसमें मकसद रहता है, अवधारणा को समझना। क्योंकि दत्त कार्य उन्हें पुनरावृत्ति करने के लिए उत्साहित करता है, यानी ये जो दत्त कार्य है बच्चों को उत्साह बढ़ाता है दत्त कार्य करने के लिए। और जब दत्त कार्य करेगा, इसलिए वो समझा हुआ रहेगा तभी तो दत्त कार्य करेगा, इसलिए वो अवधारणा को जल्दी समझ लेता है। लेकिन जो बच्चे दत्त कार्य को पूरा नहीं करते हैं, वो देखिएगा कि क्लास में भी ठीक ढंग से नहीं सुनेगा, न पढ़ेगा, न कोई काम आप दिए हैं, कोई क्रियाकलाप दिए हैं उसको ठीक ढंग से करेगा। चौथा जो लाभ है, दत्त कार्य पाठ पुस्तक से बाहर भी देते हैं, परंतु यह सिखाए गए अवधारणाओं के अनुरूप ही होता है, अतः बच्चे वास्तविक जीवन को समझ पाते हैं। यहाँ पर देखिए, बच्चों को वास्तविक जीवन का समझ होना जरूरी है। गणित में वास्तविक जीवन में कैसे उपयोग करेंगे, गणित को वास्तविक जीवन में कैसे उपयोग करेंगे, ये भी जानना जरूरी है। तो इसके लिए क्या होता है कि दत्त कार्य में हम लोग पाठ्य पुस्तक का तो देते ही हैं, लेकिन पाठ्य पुस्तक से बाहर भी देते हैं। जो हम अवधारणा सिखाएं उसी का अनुसार, मान लीजिए हम बच्चों को जोड़ की अवधारणा सिखा दिए, अब उसका पाठ्य पुस्तक में जो जोड़ नहीं है उससे संबंधित, उस अवधारणा से संबंधित बाहरी प्रश्नों को हम देते हैं, जिससे वह वास्तविक जीवन को समझ पाता है। दत्त कार्य को पूरा करने के लिए एक से अधिक तरीकों का उपयोग करता है, जिससे बच्चों में सृजनात्मकता बढ़ती है। पांचवा लाभ है, यह एक बहुत बड़ा लाभ है, कि बच्चों में सोचने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति, सृजन करने की शक्ति दत्त कार्य के कारण होता है। जब वह दत्त कार्य करता है तो उसको पूरा करने के लिए एक से अधिक तरीकों का उपयोग करता है। जब एक से अधिक तरीका का उपयोग कर रहा है, तो निश्चित रूप से बच्चों में सोचने की क्षमता का विकास हो रहा है, बच्चे सृजनात्मक बनेंगे। दोस्तों, ये पूरा प्रश्न हो गया। इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट में आप जाएं, जिसका आईडी है मोहन वर्मा 123, बिना स्पेस का, मोहन वर्मा 123। दोस्तों, मैं पहले आप लोगों को बताया करता था कि व्हाट्सएप पर मैं आपको इसका पिक या पीडीएफ दूंगा, लेकिन मैं इस पर नहीं दे पा रहा हूँ। कारण क्या है कि मेरे पास भी समय का अभाव है, और यहाँ पर डेली नए लोग, कम से कम 20 से 25 लोगों का कमेंट आता है कि मुझे पीडीएफ चाहिए। अब होता क्या है, कुछ लोगों को मैं दे पाता हूँ, तब तक
दूसरे का कोई मैसेज आ गया जिसके चलते वह पीछे रह जाता है, मैं नहीं दे पाता हूँ। जिससे आप लोग सोचते होंगे कि मैंने कमेंट में व्हाट्सएप में पीडीएफ के लिए कहा लेकिन मुझे नहीं मिला, मजबूरी मेरा भी है। इस मजबूरी के सॉल्यूशन के लिए, इस समस्या का समाधान के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट बहुत अच्छा है, आप इसमें मुझे फॉलो करें, वहाँ पर ये सभी अपलोड हैं, आप जब भी देखना चाहते हैं इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ से इजी वेब में अभी मैंने वीडियो बनाया, उसके पहले ये सब जो चीज चास किया है, ये सब करने के पहले इसका फ़ोटो लेकर मैं अपलोड उसमें कर देता हूँ, ये आपके लिए सुविधाजनक है। और व्हाट्सएप में सभी को देना मेरे लिए कठिनाई है, इसलिए मैंने मेरा किसी दोस्त ने बताया कि इस समस्या का समाधान इंस्टाग्राम है, आप इंस्टाग्राम में लोड करके रख दीजिए, कोई भी आदमी वहाँ पर आकर के आपका प्रोफाइल चेक करेगा, वहाँ से आपको जितना कुछ भी लोड रहेगा सब उसको मिल जाएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि व्हाट्सएप पर मुझे आप कमेंट ना करें, और जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है इस पर जाएं, उसको इसको फॉलो करें, और वहाँ से सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। फिर भी यदि किन्हीं को इंस्टाग्राम चलाने नहीं आता हो, या जिनके मोबाइल में इंस्टाग्राम इंस्टॉल नहीं है, जिनका आईडी नहीं है, वो व्हाट्सएप करें, जितना संभव होगा मैं व्हाट्सएप पर भी देने का कोशिश करूँगा और करते आ रहा हूँ। तो चलिए आज का दूसरा प्रश्न, इसमें दो प्रश्न मैंने लिया था, पहला प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न नेक्स्ट पेज में है। ये दूसरा पेज है, डेट के साथ लिखा हुआ रहता है, इसलिए आपको इंस्टाग्राम में खोजने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि किस दिन का ये वीडियो है, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर डेट और पेज नंबर लिखा हुआ रहता है, इसलिए इसका पिक आपको मिल जाएगा, आप समझ जाएंगे कि किसका है। और मैं समझता हूँ आप लोग अच्छी सी तैयारी करने के लिए इसका नोट्स बनाते जाएं, वो बेटर रहेगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न है आज का, ज्यामितीय शिक्षण में एक अध्यापक बच्चे की सहभागिता का आकलन कैसे कर सकता है। इस प्रश्न को पहले समझें, यहाँ है ज्यामितीय शिक्षण। ज्यामितीय शिक्षण मतलब रेखा, कोण, त्रिभुज, आयत, चतुर्भुज, वर्ग, ये सभी चीज़ों के बारे में आकलन करना है, और वह भी सहभागिता के द्वारा, यानी बच्चा कितना सहभागिता करता है, कोई भी ज्यामितीय वर्क में बच्चा कितना सहयोग करता है, कितना प्रतिशत वो कर पाता है, इसकी आकलन आपको करना है। तो इसका आकलन कैसे करेंगे आगे देखते हैं। गणित अधिगम का आकलन विस्तृत है, जिसमें सभी क्रियाकलापों का समावेश होता है, इसको पहले समझिए। गणित अधिगम का आकलन जो है, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत तरीके से हम लोग आकलन, गणित का आकलन कर सकते हैं, इसमें सभी क्रियाकलाप का समावेश होता है, बहुत सारा क्रियाकलाप करके बच्चों का आकलन करवा सकते हैं। आकलन से प्राप्त सूचना से, जो आकलन आपने किया उसे जो सूचना प्राप्त हुई, उसे शिक्षण में अधिगम में सुधार किया जा सकता है। जो भी आपका उस सूचना मिला, उस सूचना के अनुसार आप शिक्षण अधिगम में सुधार कर सकते हैं और प्राप्त समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। ज्यामितीय शिक्षण में सहभागिता के आकलन के लिए दत्त कार्य अर्थात क्रियाकलाप उचित होता है। आपको ज्यामितीय शिक्षण में सहभागिता का आकलन करना है तो इसके लिए दत्त कार्य सबसे बेस्ट तरीका है आकलन करने का। यानी आपको सहभागिता का आकलन करना है, इसके लिए दत्त कार्य सबसे अच्छा तरीका है। इसके लिए कक्षा में एक क्रियाकलाप आयोजित किया सकता है। अब दत्त कार्य के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक क्रियाकलाप कक्षा में करवा सकते हैं। इस क्रियाकलाप में ज्यामिति आकृति को बनाना है। अब क्रियाकलाप में करेगा क्या बच्चा, तो बच्चे लोग ज्यामितीय आकृति बनाएंगे। इसके लिए आवश्यक सामान आपको देना पड़ेगा, आवश्यक सहयोग करना पड़ेगा, फिर बच्चे इस क्रियाकलाप को करेंगे। इस क्रियाकलाप में यह हो गया,
अब इस दत्त कार्य को बच्चों में वितरित किया जाएगा। जब आपने सोच लिया कि ज्यामिति आकृति बनाना है, इसके लिए इस दत्त कार्य को बच्चों में वितरित किया जाएगा। कार्य पूर्ण करते समय अध्यापक अवलोकन करता है। अब यहाँ पर देखिए, अध्यापक का काम बढ़ गया, बच्चे काम कर रहे हैं, बच्चे कैसे काम कर रहे हैं उसका अवलोकन अध्यापक करेंगे। कार्य पूर्ण होने के बाद, एक कार्य करते समय हुआ और ये पूर्ण होने के बाद एक परिचर्चा का आयोजन किया जा सकता है या करना है। इस परिचर्चा के दौरान अध्यापक निम्न बातों का आकलन करता है। इस परिचर्चा में क्या क्या आकलन करेंगे? बच्चों की सहभागिता को, यानी बच्चा क्या क्या सहयोग किया, उसमें सहभागिता रहा या नहीं रहा। कार्य करने की तैयारी में, कोई भी दत्त कार्य करने के पहले तैयारी होता है, उसमें बच्चा कितना सहयोग किया। अपने साथियों के सहयोग में कार्य करते समय अपने बच्चों को, अपने साथियों को क्या सहयोग किया। कार्य करने में, कार्य के प्रस्तुतिकरण में, अपने साथियों के साथ चर्चा करने में और नया विचार के सृजन में, जब ये काम हो रहा था, ये दत्त कार्य को पूरा कर रहा था, उसमें क्या इन्होंने नया कार्य, ये नया विचार का सृजन किया। तो इन सबों में अध्यापक अवलोकन करता, आकलन करता है। तो दोस्तों, आज का दोनों प्रश्न समाप्त हुआ। आज मैं किसी कारणवश MCQ टेस्ट सीरीज, जो प्रत्येक दिन इस टाइम को मैं दे रहा था, नहीं दे पाया हूँ। लेकिन इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग यहाँ पर ज़रूर आएँ। ये इंस्टाग्राम का मेरा अकाउंट है, MohanVarma123। यहाँ पर आएँ, आपको जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ इसका सबसे पहले अपलोड कर देता हूँ वहाँ पर। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें। आप मुझे प्यार करते हैं, आप मुझे कितना चाहते हैं, ये इसी से पता चलेगा कि आप मेरे वीडियो को कितना लाइक कर रहे हैं। अधिक से अधिक लाइक करें, सभी ग्रुपों में शेयर करें। जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है और उसके बगल में बेल आइकन बटन है, ज़रूर दबाएं। तो इतना ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।